एक बार टोडरमल ने अपनी मां से यही कहा था कि मां तू हर बात पर कहती रहती है कि मां का कर्जा नहीं उतर सकता, मां का कर्जा नहीं उतर सकता। चल आज तेरा सारा कर्जा उतारूंगा, बता कितना कर्जा है तेरा। तुझे सोना दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, जवाहरात दूं, रुपया दूं, पैसा दूं, क्या दूं, पर तू अपना कर्जा ले और मुझे अपनी इस बात से मुक्त कर। मैं नहीं सुनना चाहता कि तूने क्या किया मेरे लिए। मां ने कहा बेटे अगर कर्जा ही उतारना है मां का, तो चल सोने चांदी रुपए पैसे थे तो कर्जा उतरेगा नहीं। तू एक काम कर, आज रात तू मेरे पास ही सो जा, कर्जा उतर जाएगा। इसने कहा एक रात सोने से कैसे कर्जा उतर जाएगा? बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरी नजर में उतर जाएगा, तू सो जा। कहते हैं जब टोडरमल की माताजी ने उसे ये कहा तो रात्रि में टोडरमल उस दिन अपनी मां के कक्ष में लेट गया। और जब मां के कक्ष में लेटा तो कहते हैं जैसे ही मां ने देखा बेटे को नींद आनी शुरू हुई है, तुरंत हिला दिया और हिला के बोली बेटा एक गिलास पानी ला देगा। अब ये तो श्रद्धा के वसीभूत होकर के आज कर्जा उतारने की फिराक में लेटा था, जैसे ही मां ने कहा कि बेटे पानी ला देगा, ये तुरंत कहता हां माता जी बिल्कुल, उठा एक गिलास पानी लेके आया और बड़ी श्रद्धा से मेरी माता दोनों हाथों से वो पानी मां को दे दिया। मां लो जल ग्रहण करो। कहते मां ने एक घूंट जल पिया और बाकी का जितना भी पानी पात्र में बचा हुआ था सारा का सारा जिधर टोडरमल लेटा हुआ था उस तरफ डाल दिया। इसे गुस्सा तो बहुत आया पर इसने बहुत आराम से पूछा मां ये क्या कर रही हो तुम? इसने कहा रे बेटे गलती हो गई, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, गिर गया हाथ से, लेट जा। पागल है, गीले बिस्तर में लेटा जाएगा क्या? मां ने कहा बेटे कोई बात नहीं, लेट जा, एक ही रात की तो बात है। लेट तो गया पर नींद नहीं आई गीले बिस्तर में। जब बहुत देर तक कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहा और बहुत देर के बाद जाकर के इसकी आंखें मिचनी शुरू हुई, भारी हुई आंखें, नींद ने आकर के घेरा। मां फिर देख रही थी, जैसे ही आंख बंद की मां ने फिर हिला दिया बेटे पानी। अब की बार वो जो पहले वाली श्रद्धा थी ना वो कम हो गई। पहले उठा था तो कहा था हां माता जी लाता हूं, अब की बार कहता है मां पानी? बोले हां, कि अभी तो पिया था तूने? कि बेटे प्यास लगी है, पानी पे भी रोक लगाएगा क्या? उठा पानी लेके आ, ले पकड़ मां। दो हाथ भी गए, मां जी भी गया, ले पकड़ मां। मां ने एक घूंट पानी पिया और बाकी का पानी सारा फिर इसके बिस्तर पर गिरा दिया। इसने कहा मां तेरा हो गया दिमाग खराब, तू हो गई पागल, बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही है, एक रात सुला करके क्या कर्जा उतारेगी, मैंने तो मौत खरीद ली, पागल था मैं जो तेरा कर्जा उतारने चला था। 70 बातें मां को सुना दी, मां चुपचाप सुनकर के भी सहन कर गई और फिर भी बड़े प्यार से कहा बेटे कोई बात नहीं, तू लेट जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेटा अब की बार और बिस्तर गीला था, बहुत देर तक नींद नहीं आई, पर कहते हैं जब कई घंटों के बाद घेर लिया पूरी तरह नींद ने और फिर से आंखें बंद करने को हुआ तो माता ने फिर हिला दिया पकड़ के बेटे पानी। ओहो, अब की बार तो चिल्ला करके उठा और मां पर झल्लाते हुए कहता है मां क्या खाके सोई थी रात, ये बता पहले, कुएं में जाए तेरा कर्जा, मुझे नहीं उतारना, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। मां ने कान पकड़ के खींच के थप्पड़ मारा, बोले तू मेरा कर्जा उतारने चला था, तू एक रात मेरे कमरे में सो गया और मैंने तेरा बिस्तर गीला करके दो बार पानी मांग लिया तो तू भाग रहा है? अरे जब तू छोटा था तेरा बिस्तर तो पानी से गीला है, पर तू अपनी गंदगी से मेरे बिस्तर को गीला करता था और देख
एक मां का त्याग, मैं उस गीले बिस्तर में खुद लेटती थी और तुझे सूखे में लिटाती थी। इधर बिस्तर गीला कर दिया तो इधर लिटा लिया, इधर बिस्तर गीला कर दिया तो तुझे अपने सीने पर लुटा लिया। मैं सारी रात तेरी गंदगी में लेटती थी पर कभी तुझे उठा करके फेंका नहीं। मैंने दो बार पानी मांगा तो तुझे क्रोध आ रहा है। तू रात में कभी पानी मांगता, कभी दूध मांगता, कभी नहीं सोता तो सारी रात सीने से लगा करके आंगन में टहलती रहती थी। और तू मां का कर्जा उतारेगा बेटे? एक जन्म तो छोड़, कई जन्म भी ले ले, पर मां का कर्जा उतार नहीं सकता। और किसी को अगर उतारना भी हो तो देखो, मां बाप का ऋण तो मां बाप बन के ही पता लगता है, ध्यान रखना। इसलिए कई जगह जब औलाद ये बोल देती है ना कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो समझदार मां बाप कहते हैं अपनी औलादों से, बेटे हमने तो तेरे लिए इतना कर भी दिया, जिस दिन अपनों के लिए कर देगा उस दिन बता देना।